विपुल सर ने एक बार बैठा के बोला कि आज तक जितना भी तुमने एक्शन देखा है लाइफ में फिल्मों में वो भूल जाओ और जो हम बोल रहे हैं वो चुपचाप करके करते रहो। तो अपनी सेंसिबिलिटी घर पे छोड़ के और जो हम बोल रहे हैं बस आंख बंद करके करते रहो, बिकॉज इनके मन में और इनके फोरसाइट में कैरेक्टर बहुत क्लियर था। मेरे पिताजी फौज में, मैं अगर फौज में जाता तो मैं अपनी फैमिली की छठी पीढ़ी होता। अब जो एक आर्मी ऑफिसर का रहन सहन तौर तरीके होते हैं वो मैंने बहुत करीबी से देखे हुए हैं अपनी लाइफ में, दादाजी से लेकर चाचा सब, डैड, तो वो मैं अपनी तरफ से लाया। लेकिन जो एक्शन था वो ऐसा स्केल का एक्शन मैंने कहीं नहीं देखा। तो हम सिर्फ टीवी या फिल्म की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो एक 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 फिल्म में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कोई फिल्म है उसमें 4 या 5 एक्शन सीक्वेंस होते हैं। हमारे पूरे सीरीज में कम से कम 55 या 60 एक्शन सीक्वेंस हैं। तो जो मेरी, अगर आप देख रहे हैं कि मेरा आज एक कट है, अगर आप हफ्ते बाद मेरे को देखेंगे 2-3 और कट हैं यहाँ हैं, तो वो होते जा रहे हैं। उसमें सिर्फ ये कि अच्छा 12वां एपिसोड हो गया, अच्छा 14वां हो गया, तो ऐसे चल रहा है। दिस इज द प्रूफ, इट्स अ प्रूफ। हाँ, ये एक बात है कि सारे जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो रणवीर जय ने खुद किए हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। इवन जो कोई चॉइस भी नहीं थी, नहीं चॉइस तो अभी भी मिल सकती है, पर हम चाहते हैं कि वो रियल लगे। नहीं, ही इज अ वेरी रिच प्रोड्यूसर। ये तो देखिए अब इनकी क्या कहते हैं वो एहसान है हम पे। लेकिन जैसे वो माउंटेन क्लाइंबिंग का सीक्वेंस है जो आप थोड़ी बहुत झलक आपने ट्रेलर में देखी, वो 600 फीट गहरी खाई थी और वो रणवीर जय ने खुद किया, बिना एक सेकंड एक क्वेश्चन भी पूछे वो सीधा लटक गए, गाड़ी के पीछे लटके हैं, पता नहीं क्या क्या स्टंट अभी किए हैं। अभी 2 दिन बाद हम एक स्टंट करने वाले हैं जो 35वें माले से ये छलांग लगाने वाले हैं। क्या? तो बताया नहीं हमने। तो कुछ ऐसी चीजें हम करना चाहते थे जो कि एक टीवी शो के लिए या एक फिल्म के लिए भी एक गर्व की बात हो। लेकिन सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कहानी इमोशनल ना हो और कहानी में लोगों के दिलों को छूने वाली बात ना हो तो वो शो वर्क नहीं करता। और इस शो में रणविजय और राज जी की एक बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है जो इस शो का एक बहुत अहम मुद्दा है। मनीष और दिशांक रणविजय के भाई हैं, किरण उनके फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और किरण का कैरेक्टर इतना ट्विस्टेड है कि जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा उसके पेज खुलते जाएंगे। तो जो इमोशनल कोशेंट है कहानी का, जो पेज, जो एक गुत्थी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है इस शो की। और मुझे लगता है उसके साथ इस लेवल का एक्शन, इस टाइप की स्टार कास्ट और ये मेहनत, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सही हो रहा है। आपके लगभग सब लोग हैं, अदा नहीं आई? वो रास्ते में फंसी हुई है, हीरोइन है, लेट आती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग मंडे शूटिंग में, हीरोइन रखी है आपने या सिर्फ रणविजय के लिए? नहीं, ये एक हम अभी तक क्या है कि महाभारत खत्म हो चुका है, महाभारत खत्म हो चुका है, तो हम इस शो में एक ही हीरो एक ही हीरोइन वाला चक्कर रखेंगे, बेटर है। रणविजय सर, आपने रियलिटी शो किया और अब आपका ये डेब्यू है। हाँ जी, आपको कैसा लगा? देवेन, मेरे को जैसे विपुल सर ने कहा कि एक डेली शो करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा हूँ, एक शो प्रोड्यूस करता हूँ, वो रोडीज करता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत। जब सर ने बोला एक एक्शन सीरीज है और हम लोग इसको अपने तरीके से बनाएंगे, एक फुल स्केल होगा, जो आप देख रहे हो वही मुझे प्रोजेक्ट किया गया था। तो डिसीजन लेने में मेरे को शायद 1.5 या 2 मिनट लगे थे कि मैं सोच रहा था कि अच्छा अभी से लेके जनवरी तक मैं यही करूँगा, ऐसा था, दैट वॉज दी ओनली कंसर्न। और मेरे को हमेशा लाइफ में ऐसी ही चीज़ें करनी थी, बचपन से मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, मैंने अपना SSB भी क्लियर किया था, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द लाइफ दैट आई डिडंट। और मेरे पेरेंट्स ने जो पहला एपिसोड जैसे जो आपने देखा, दे वर वेरी इमोशनल, ऑब्वियसली हैप्पी इमोशनल, पर फॉर मी इट वाज लाइक कमिंग होम, इट वाज लाइक अ फुल सर्कल। सो मेरे लिए तो मतलब डिसीजन बहुत ही आसान। देखिए, अदा ही नहीं, डायरेक्टर भी लेट आता है, देवेन यहाँ है और लेट भी है पर आ चुके हैं। डायरेक्टर शूट कर रहे थे इसलिए हम भी शूट करके आए मडा आइलैंड से, ऐसी क्या बात है। शुरुआत की थी भारतीय टेलीविजन पे, उसी से इंस्पायर हो के आपको लगता है कि टीवी का रुख बदल रहा है? रणविजय, आप तो एक्सपर्ट हैं टीवी पे, तो आप भी पहले या मैं ऐसा मानता हूं कि 24 एक बहुत ही बेहतरीन शो था और उसने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मिनी सीरीज को इस देश में लाने की। पूरी दुनिया में
एंडलेस सीरीज जो होती हैं, जो डेली सोप जिन्हें हम कहते हैं, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। मैं इस देश में डेली सोप को शुरू करने का गिल्टी हूँ। एक महल और सपनों का इस देश का पहला डेली सोप मैंने किया था। 1000 एपिसोड हमने पहली बार किए थे। देवेन उसमें बहुत अहम भूमिका में भी था। कुछ एपिसोड भी थे। You should not feel guilty, but you should feel proud about it. गिल्टी अगर उसे अगर नेगेटिव सेंस में, पर अब जो दुनिया में डेफिनेट एंड वाले 24 एपिसोड की मिनी सीरीज हर जगह बनती है और वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बन रही है, और मुझे लगता है कि भारत में अब वो शुरुआत हो चुकी है। 24 बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 24 से थोड़ा एक कदम और आगे जाएं। अब ऑडियंस तय करेगी क्या। युद्ध भी आया था सर? युद्ध युद्ध मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं ये शो उस वक्त बना रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अमित जी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं वो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं उनके लिए बहुत बायस्ड हूँ, तो मैंने देखा नहीं युद्ध, लेकिन मैं दिल से ऐसा मानता हूँ कि युद्ध बहुत ही अच्छा शो होगा। मैं देख नहीं पाया हूँ, जरूर एक वक्त पे YouTube पे जाके देखूंगा, बट अमित जी जो भी करते हैं मेरे लिए वो अच्छा ही होता है, मुझे कभी बुरा लगता ही। सास बहू के मतलब एक्सपर्ट आप रह चुके हैं, अब ये जो टीवी बदल रहा है और एक क्योंकि और तीसरा वो क्या था, कसौटी, तो अब ये जो 2014 में जो पूरा बदलाव, 2009 में खत्म हो चुकी थी, अब हम 2014 में, अब ऐसे शोज बन रहे हैं। हाँ, यही पूछ रहे तो बन रहे, इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसे सक्सेस आएगी, चलेगी 100%, इसलिए तो बन रहे हैं। सर एक चीज लास्ट आपसे पूछना बनता है, मिसेस बच्चन और जया जी आपके मिलने आए थे, कोई फिल्म बनाने वाले उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि जया जी अगर मेरी फिल्म में काम करेंगी तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा। उन्हें मनाना मेरे लिए बहुत, आई मीन सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चूजी है, लेकिन वो एक बहुत ही पर्सनल फंक्शन था जिसमें उन्होंने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और ऐश और जया जी घर पे आई थी, तो बस वही उतनी सी बात है। पता नहीं ये कहां से कहां चली गई ये बात। पर इस शो में कोई शो में उनको शामिल करने क्योंकि उनका भी एक टीवी शो आने वाला था जया जी का। मैंने अभी तक तो इस शो में ऐसा, अगर जया जी को लेके शो करूंगा तो वो सेंट्रल कैरेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता, और वो भी जया जी क्या करना चाहेंगी ये सबसे बड़ा सवाल होगा। उन्हें मनाना क्रिएटिवली एक बहुत ही अच्छी मजबूत कहानी के साथ मनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी एक दिन मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा। चलिए, हम चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी को भी आप लेके आए टीवी पे। थैंक यू, इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू ब्रिंग हर ऑन टीवी फॉर श्योर।